दोस्तों ग्रैंड विटारा और एलिवेट की अगर बात करेंगे तो दोनों की दोनों लगभग सेम पेज पर आती हैं, क्योंकि दोनों में इंजन ऑप्शन एक ही होता है, वो भी 1.5 का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। अब आप बोलोगे यार ग्रैंड विटारा के अंदर तो एक और ऑप्शन भी है। बिल्कुल है, लेकिन वो गाड़ी खरीदने के लिए लगभग 21.5 लाख रुपए मिनिमम आपको खर्च करने पड़ते हैं। 4 वेरिएंट वहाँ पर मिल जाते हैं, वो सारी ऑटोमेटिक में आती है, उसके अंदर आपको कोई मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता है। फिर वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, तो कुछ देर गाड़ी बैटरी पे चलती है, कुछ समय इंजन पे चलती है, वो अलग एक सिस्टम है, उसके तरफ हम नहीं जाएंगे 20 लाख के बजट में, क्योंकि एलिवेट के टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस भी 20 लाख के अंदर आ जाता है और ग्रैंड विटारा के भी इस वाले इंजन के टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस उसके अंदर आ जाता है। एलिवेट में अगर आप ZX CVT लेने जाते हो 19,73,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे ड्यूल टोन के साथ, और वहीं अगर आप ग्रैंड विटारा लेने जाते हो तो इसका अल्फा स्मार्ट हाइब्रिड ऑटोमेटिक वाला जो है आपको 19.85 लाख रुपीज़ में मिल जाएगा, मतलब 12-13 हज़ार का ही फ़र्क है। अगर ड्यूल टोन वगैरह लेना है तो लगभग 20-1 हज़ार रुपये ज़्यादा और आपको देने होंगे। एलिवेट की बात करोगे तो 1.5 लीटर का IVTEC इंजन इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो कि आपको 119 BHP की पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाकर देती है। गाड़ी का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, वजन भी लगभग 1250 किलो के आसपास आता है, उसके बावजूद भी गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस के मामले में ये गाड़ी कहीं से कहीं तक आपको किसी भी गाड़ी से दूसरी गाड़ी से कम नहीं लगने वाली, जो इस प्राइस बजट में आती है, चाहे वो क्रेटा हो चाहे वो सेल्टॉस हो, इनसे कम नहीं लगेगी। ग्रैंड विटारा की बात करोगे तो एक माइल्ड हाइब्रिड इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड, 102 BHP की पावर ये बनाती है, 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोवाइड करती है। और हाँ, माइल्ड हाइब्रिड होने की वजह से माइलेज ज़्यादा अच्छा क्लेम कर पाती है, 20.5 का माइलेज क्लेम करती है, और दोस्तों मारुति है तो ये 16-17 तक आराम से निकाल भी देती है। वैसे अगर मैं सिटी की बात करूँ, पुणे जैसी सिटी में कोई चलाता है तो 12-13-14 वो वैरी करता रहता है। एलिवेट आपको 10-11 का माइलेज देगी, ये फिक्स्ड है। अगर आप पुणे और थोड़ा बहुत हाईवे करना चाहते हो तो, अगर सिटी और हाईवे दोनों मिलाकर देखोगे तो, अगर हाईवे जाओगे तो 16-17 तक भी निकाल पाओगे। दोनों के ही अंदर ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर एलिवेट में सिर्फ CVT आपको दिया जा सकता है, और बहुत अच्छा CVT होता है दोस्तों होंडा का, आप चलाकर देखिएगा। जो मारुति है वो आपको टॉर्क कन्वर्टर ही दे पाती है, हालांकि इसके अंदर भी CVT अवेलेबल है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट के अंदर, जो ECVT कहलाता है। फिलहाल इस गाड़ी के अंदर आपको टॉर्क कन्वर्टर ही मिलेगा, जिसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है, लैग वगैरह फील आपको नहीं होगा, और बहुत सारे अलग अलग मोड्स होने की वजह से गाड़ी हर प्रकार के टेरेन को अच्छे से क्रॉस कर लेती है। एलिवेट भी अपनी जगह पर काफ़ी अच्छा सा काम कर पाती है। यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने मिलेगा ड्राइविंग कंडीशंस में, तो एलिवेट थोड़ी ज़्यादा आपको अग्रेसिव लगेगी, थोड़ा ज़्यादा अच्छा गियर शिफ्ट आपको लगने वाला है ग्रैंड विटारा के मुकाबले। और ग्रैंड विटारा में आपको इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगेगा, सिटी ड्राइव के लिए ज़्यादा परफेक्ट लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होगी कि इसको रेव करना है, या मतलब ऐसे भगाने की जो इच्छा होती है वो आपको होंडा में ज़्यादा मिल पाती है। पर ये नहीं कहूँगा कि इंजन जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का फंक्शन दोनों गाड़ियाँ प्रोवाइड कर पाती है, बटन रहता है, आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं अगर आपको इरिटेट करता है, बहुत सारे लोग करते हैं कि इरिटेशन होता है उस बटन से तो बंद कर देते हैं, आप भी कर सकते हो। बट ग्रैंड विटारा के अंदर एक और एक्स्ट्रा फीचर है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, जिसकी वजह से जो बैटरी है उस पर कभी कभी गाड़ी जो है उसे हेल्प ले लेती है, जिसकी वजह से आपका माइलेज थोड़ा सा अच्छा बना रहता है। अगर डायमेंशन की बात करोगे तो लगभग हाइट और विड्थ में 5-5 mm का ही गैप मिलेगा आपको, लेकिन लेंथ में थोड़ी सी ज़्यादा लंबी ग्रैंड विटारा हो जाती है, उसके बावजूद भी ये कम बूट स्पेस प्रोवाइड करती है, मतलब कैबिन स्पेस को ज़्यादा रखने की कोशिश की गई है, जबकि एलिवेट में ऐसा नहीं है, एलिवेट 458 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड कर पाती है एज कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा, जिसमें 373 लीटर का ही बूट स्पेस है। दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, 220 mm एलिवेट में है, 210 mm का जो है ग्रैंड विटारा का है, और अगर मैं व्हील बेस की बात करूंगा तो 2600 mm का ग्रैंड विटारा का मिल जाता है और 2650 mm का एलिवेट का व्हील बेस आपको देखने मिलेगा। बात करें अगर सस्पेंशन की, व्हील्स की, कंफर्ट की, तो आपको बता दूं कि भाई 215/55 R17 के व्हील्स आपको एलिवेट में मिल जाएंगे, 215/60 R17 के व्हील आपको, मतलब रेडियल टायर्स मिल जाएंगे, 17 इंच के व्हील मिल जाएंगे ग्रैंड विटारा के अंदर। लेकिन टर्निंग रेडियस में थोड़ा थोड़ा सा फर्क, 5.2 मीटर की टर्निंग रेडियस आपको एलिवेट में मिलती है, 5.4 मीटर की टर्निंग रेडियस आपको ग्रैंड विटारा में मिल जाती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पर ब्रेकिंग के मामले में ग्रैंड विटारा थोड़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पर दिखती है ऑन पेपर, क्योंकि चारों ही डिस्क ब्रेक आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि एलिवेट के अंदर पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स ही हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आपको समय समय पर उसकी मरम्मत करानी होगी, और समय समय पर ब्रेक पैड्स वगैरह जो है चेंज, ब्रेक शू वगैरह जो है वो चेंज कराने पड़ेंगे, डिस्क थोड़े से ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। अगर बात करें कि दोनों में से ज़्यादा मज़ा किस में आएगा इंटीरियर में, तो मैं बता दूं भाई दोनों ही दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, दोनों में वो प्रीमियम आपको नज़र आएगी, लेकिन फिट एंड फिनिश के मामले में होंडा काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है, और कंफर्ट के मामले में भी आपको होंडा थोड़ा सा बेटर लगने वाला है। अगर आप सस्पेंशन की बात करो, अगर आप राइड क्वालिटी की बात करो, अगर आप बॉडी रोल की बात करो, हर चीज़ में होंडा काफ़ी ज़्यादा आगे यहाँ पर निकल जाता है। ग्रैंड विटारा बहुत अच्छा काम किया गया है, कह सकते हो कि भाई मारुति ने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया, और उस लेवल तक वो उसको लेकर के गए हैं कि गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बट कम्फर्ट में फिर भी थोड़ा सा एलिवेट के नीचे ही मैं समझ पाता हूँ उसे। बाकी सीट वगैरह काफ़ी अच्छी है, एकदम बकेट सीट आपको मिल जाती है ड्राइविंग के लिए, आप बहुत अच्छे से बैठ सकते हैं,
उसमें 8-way एडजस्टमेंट मिल जाता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, पूरे तरीके से अपने आप को एडजस्ट आप वहाँ कर सकते हैं, सीट में घुस जाते हैं, थाई सपोर्ट वगैरह अच्छे मिल जाते हैं, दोनों ही गाड़ियों में लगभग सिमिलर सा है। और जो डैशबोर्ड वगैरह है वो भी काफ़ी सुंदर से आते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ पर अगर पर्सनली देखूँ तो मुझे होंडा एलिवेट का डैशबोर्ड थोड़ा ज़्यादा क्लीन, नीट एंड क्लीन लगता है। एक चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलती है ग्रैंड विटारा के अंदर कि रियर सीट जो है उनको भी थोड़ा सा टिल्ट किया जा सकता है, जबकि होंडा एलिवेट वो चीज़ नहीं देती, हालांकि इंक्लिनेशन काफ़ी बढ़िया सा है तो आराम आपको मिल जाता है। स्पेस की बात करूँगा लगभग दोनों में बराबर सा है, एलिवेट थोड़ी सी ज़्यादा आपको स्पेशियस फील हो सकती है, प्लस इसके अंदर बूट स्पेस भी ज़्यादा मिल जाता है। पर एक चीज़ यहाँ पर जो है बेटर मिल जाती है ग्रैंड विटारा में वो है सनरूफ, पैनारोमिक सनरूफ आपको ग्रैंड विटारा दे पाती है, जबकि एलिवेट में आपको एक इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगी। तो जब सनरूफ ऐड होती है और अगर आप उसको मतलब शेड हटा लेते हो उसका, सिर्फ कांच चालू है, तो वो जो लाइट आती है वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा खुशनुमा माहौल दिखाती है और आपको लगता है कि यार गाड़ी में स्पेस ज़्यादा है, तो ये फीलिंग आपको ज़रूर आएगी। रियर आर्मरेस्ट है, 60-40 स्प्लिट रियर सीट पर आपको मिल जाता है, फ्रंट सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, 6-way में को ड्राइवर सीट को आप एडजस्ट कर सकते हो, और सेंट्रल कंसोल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दोनों गाड़ियों के आपको मिल जाते हैं, और क्योंकि ऑटोमेटिक है तो थोड़े से ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। बात कर लेते हैं फीचर्स की, कुछ चीज़ों में एलिवेट थोड़ी सी आगे निकलती है और कुछ चीज़ों में ग्रैंड विटारा काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकलती है, मैं एक बता देता हूँ। तो भाई ऑटोमेटिक कंट्रोल दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा आपको, सिंगल जोन है, रियर एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, हीटर भी दोनों गाड़ियों में मिल जाता है आपको। एलिवेट जो है रिवर्स पार्किंग कैम देती है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, लेकिन ग्रैंड विटारा 360 डिग्री कैम देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है रिवर्स कैम की तुलना में। प्लस पार्किंग सेंसर दोनों में रियर ही मिलते हैं, मैं चाहता था कि अगर आपने सिर्फ रिवर्स कैम दिया है तो एलिवेट में फ्रंट पार्किंग सेंसर लगाए जा सकते थे क्योंकि बोनट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पर क्रूज़ कंट्रोल दोनों में मिलता है, ग्रैंड विटारा भी देती है, पर एलिवेट यहाँ पर बेटर निकल जाती है और अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल दे देती है कि भाई सामने अगर कोई गाड़ी है तो वो चेक करेगी और उसके हिसाब से स्पीड को मेंटेन करेगी, तो एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। दोनों में कीलेस स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन आपको मिल जाती है, कीलेस एंट्री आपकी मिल जाती है, टेलीमेटिक्स मिल जाते हैं कि भाई आप फाइंड माय कार का इस्तेमाल कर सकते हो, आप गाड़ी को दूर से चालू कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन से उसका एसी ऑन ऑफ कर सकते हो, इसके अलावा जियो फेंसिंग कर सकते हो, इमरजेंसी कॉल का फीचर मिल जाता है। एलिवेट में तो आप सनरूफ भी ओपन कर सकते हो रिमोट से, जो कि ग्रैंड विटारा में आपको नहीं मिलता। अब जैसे मैं कह ही रहा था कि कुछ चीज़ें एलिवेट में बेटर है कुछ ग्रैंड विटारा में, अब जैसे कुछ फीचर्स हैं कि भाई सारे विंडोज़ पावर विंडोज़ हैं, ग्रैंड विटारा के अंदर ड्राइवर साइड विंडो के लिए आपको वन टच अप एंड डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, एलिवेट के अंदर सारी ही विंडोज़ वन टच पे अप एंड डाउन हो सकती हैं, मतलब आप थोड़ा बहुत खुलना चाहते तो वैसे भी कर सकते हो और वन टच पे करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, अच्छा लगा। ऑटो फोल्डिंग ORVM मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स ORVM के ऊपर लगे हुए होते हैं, और क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है तो बिल्कुल ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है कि भाई रियर डिफॉगर रियर वाइपर तो ज़रूर मिलेंगे, हालांकि ये बेसिक वेरिएंट से मिलने चाहिए, पता नहीं कंपनी ऐसा क्यों करती है, क्योंकि ये एक प्रकार से सेफ्टी के लिए भी ख़राब हो जाएंगे अगर वाइपर नहीं है मेरे पीछे या फिर मेरे गाड़ी में पीछे डिफॉगर नहीं है, क्योंकि ऐसे समय पर जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी और नहीं है तो मुश्किल हो सकती है, ठीक है कंपनीज कर रही हैं। दोनों गाड़ियों के अंदर टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है, ग्रैंड विटारा 9 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम देती है, एलिवेट 10.25 इंचेस का टचस्क्रीन सिस्टम देती है, दोनों में वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन को एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले के थ्रू। ग्रैंड विटारा में 6 स्पीकर मिलते हैं, होंडा में 8 स्पीकर मिलते हैं, और क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ ग्रैंड विटारा खराब है एलिवेट खराब है, ग्रैंड विटारा बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड सिस्टम आपको मिलता है, लेकिन जो दो एक्स्ट्रा ट्यूटर्स में जुड़ जाते हैं एलिवेट में वो उसके साउंड के परफॉर्मेंस को और ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग तो आपको ग्रैंड विटारा में मिली जाती है, लेकिन एलिवेट काफ़ी सारी चीज़ें देता है, जैसे कि लेन डिपार्चर वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें एलिवेट को एक अलग ही जगह पर लेकर चली जाती है। मतलब अगर आप अपना मन बनाना चाहते हो तो एलिवेट आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देकर बोलती है भाई मुझे ही खरीद लो। दोनों ही गाड़ियों में 6 एयरबैग मिल जाते हैं, पीछे की सीट में 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, TPMS आपको एलिवेट दे पाती है, आपको TPMS ग्रैंड विटारा में अलग से करवाना पड़ेगा। उसके बाद अगर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, हिल होल्ड कंट्रोल की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम की बात की जाए, ब्रेक असिस्ट की बात की जाए, दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ग्रैंड विटारा में क्यों नहीं है ये नहीं पता, इसके ऊपर वाले वेरिएंट में जब मैं इंजन ही चेंज कर दूंगा तब आएगा, तो कोई तकलीफ मतलब मुझे फिर अजीब लगता है, आप इस वेरिएंट में भी दे सकते थे, बट एलिवेट में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इन दोनों गाड़ियों के अंदर, अगर आप डिसाइड करना चाहते हो तो आप किसको डिसाइड करते हैं आप मुझे बताइए। दिखने में ग्रैंड विटारा काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, एलिवेट भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं अगर फीचर्स देख कर जाऊँ, परफॉर्मेंस देख करके जाऊँ और कंफर्ट देख कर जाऊँ, तो मैं पूरी तरीके से एलिवेट की तरफ झुक जाता हूँ। आपकी क्या सोच है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, थैंक यू। अगर आप पुणे शहर के अंदर है और अपनी गाड़ी के साथ अपना एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डिटेल्स भी डाला है, वहाँ पर भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं।